पहले से कौन सा अच्छा रवैया था उनका मेरे साथ अम्मी? उनको पता चल गया ना कि सच्चाई मुझ पे खुल गई है, अब खुल के इजहार करेंगे अपनी नफरत का मुझ पर। उस पर बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना संभलने में। तो उसे भेजो ना उसकी माँ के यहाँ, अगर शबाना उसे जानती है तो भेज दो। अगर उसकी माँ उसे अपने पास रख सकती तो वो छोड़कर ही क्यों जाती बाबा? तो यार ये हमारा मसला तो नहीं है ना, देखा नहीं कितना तमाशा हो गया, घर का सुकून बर्बाद हो गया हमारे। अच्छा बाबा आप चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। चाय यहाँ एक लुकमा नहीं उतर रहा अलग से, खाना पीना सब गया। यार मैं थक गया, पता है मैं थक गया तुम्हारी माँ की इन हरकतों से, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ना पूछा ना बताया, बस एक बच्ची उठा लाई, खानदान भर में नाक कट गई, शोर उठ गया था कि पता नहीं किसकी बच्ची उठा के ले आए, खानदान क्या है, माँ बाप कौन है, कुछ नहीं पता, बस तुम्हारी माँ की जिद ठहरी। पर जो करना होता है वो तो करती है ना। दुनिया का तो काम यही है बेटे, लोगों की कमजोरियों से खेलती है, लेकिन दुनिया से घबरा के कमरे में बंद तो नहीं हो जाते, मुकाबला करते हैं ना। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, बहादुरी से मुकाबला करेगी हालात का। कमजोर हूं आपने, इस इंकशाफ ने मुझे अंदर से और भी कमजोर कर दिया है। कुछ भी नहीं हुआ है हनी, कुछ भी नहीं हुआ बेटे, तुम नजरअंदाज करो ये सब, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, मास्टर्स करो, भूल जाओ ये सब, ये भूल जाओ, ये सब कुछ हुआ ही नहीं। चलो उठो, चलो चाय पीते, ठंडी करा दी तुमने, सर में दर्द हो रहा है मेरे। पर बाबा है, मैं बाबा को फेस नहीं कर सकती। क्यों फेस नहीं कर सकती बेटे? पहले से कौन सा अच्छा रवैया था उनका मेरे साथ अम्मी? उनको पता चल गया ना कि सच्चाई मुझ पे खुल गई है, खुल के इजहार करेंगे अपनी नफरत का मुझ पर। नफरत? पूरा बचपन में यही सोचती रही कि उनका रवैया ऐसा क्यों है, अब समझ में आ रहा है कि वो नफरत थी। नहीं नहीं हनी, अच्छा देखो वो फाकिया और मुनज़्ज़ा से कौन सी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत उनकी फितरत में ही नहीं है भाई। काश ऐसा होता। अच्छा चलो चाय तो पिए ना भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम आप जाए, थोड़ा सा टाइम दे, मैं आती हूँ। जल्दी आना, तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीऊंगी मैं, और ठंडी चाय बार बार गर्म करेंगे बदमजा हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हनी, तुम हो वो बच्ची जिसने मुझे सबसे पहले अम्मी कहा था, तुम हो वो मीठा, तुम क्योंकि मैं ग्रीन हूं।